गोद में लेकर स्तन पान कराया, इसलिए महाराज इसके शरीर से सुगंध निकल रही है क्योंकि गोद में लिया। महाराज पूतना को उद्धार हो गया। अब पूतना कब गई थी? चतुर्दशी को, अष्टमी को लाला का जन्म भया, चतुर्दशी पहुंच गई। पूतना क्या? अविद्या। अविद्या रूपी पूतना हमारे जीवन में, हमारे शरीर की 14 इंद्रियों में निवास करती है। और पतंजलि योग दर्शन में ऋषि पतंजलि ने उल्लेख किया है, पंच क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन पर जो विजय प्राप्त करता वही भगवान है। भगवान ने पहले क्लेश को समाप्त कर दिया। अब कुछ समय के बाद घटना घटी, एक दिन भगवान ने करवट बदला। अब मैया की दृष्टि पड़ गई। मैया ने नाई को बुलाया, नाई से कहा लगा दे तू ब्रज में दुहाई। नाई बोला कहावात की लगाओ मैया दुहाई। बोले यावात की दुहाई लगाओ, लाला ने करवट बदला है, कल हम करवट उत्सव मनाएंगे ब्रज में। नाई ने जाकर लगाई दुहाई और अगले दिन गोपियां आने लगी। मैया ने लाला का सुंदर किया श्रृंगार, वस्त्राभूषण पहनाए और जो ही पहनाए श्रृंगार के, लाला को नींद आने लगी। अब मैया ने सोचा ये गोपियां आएंगी, नृत्य करेंगी, कीर्तन करेंगी, लाला सो नहीं पाएंगे, क्या करें? तो आंगन की ओर गई। आंगन में एक शकट पड़ा हुआ है, शकट के नीचे पालने में जाकर लाला को सुला कर नजरानी चली आई और इधर गोपियां आ गई, उत्सव प्रारंभ हो गया। तब तक भेज दिया कंस ने सक्टासुर को। अब सक्टासुर गया, बोले लाला को दबा के मार दूंगा। जो ही विचार किया वो शकट में बैठ गया सक्टासुर। भगवान ने पालने से पैर निकाला दाया और एक घुमाकर मारा तो सक्टासुर का काम तमाम हो गया। इधर ग्वाल वालों ने कहा मैया से सूचना दी, मैया मैया अरे लाला ने सक्टासुर का वध कर दिया। मैया बोली तुम भांग पी के बात कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि खराब है, नेक से लाला ये सक्टासुर को कैसे मारेंगे। मैया लाला गोद में लेकर चली गई। अब कंस ने तृणाव्रत को भेजा। तृणाव्रत तिनके, घास का तिनका होता ना, बवंडर की जरूरत उसे बोलते तृणाव्रत। राजस्थान में आपके यहाँ भी बहुत उठता हो गर्मियों में तृणाव्रत। तृण माने तिनका, तिनकों का जो आवृत माने समूह। माखन चोरी की लीला करनी है, ऊपर से सारे रास्ते क्लियर नजर आएंगे, कौन सी गली चौड़ी है, कौन सी भेड़ी है, कौन सी बंद है, इसलिए भगवान ऊपर चले। और वहां जाकर भगवान ने सारा निरीक्षण किया, उसके बाद तृणाव्रत की गर्दन घोंट दी और तृणाव्रत के माध्यम से भगवान ने दो तत्वों का संशोधन कर दिया, वायु और आकाश। भगवान बाल लीला में पांचों तत्वों का संशोधन करने जा रहे हैं। तो इधर श्री सुखदेव भगवान कहते शंकर जी दर्शन करने आए थे ब्रज में, दर्शन नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से ले देकर दर्शन हुआ। अब एक घटना घटी, क्या? कृष्ण और बलराम बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ब्रज में रह रहे हैं। शास्त्र कहता है कि बालक का नामकरण यदि ना हो पाए, वैसे 12 दिन में हो जाना चाहिए, ना हो पाए किसी कारणवश तो महीने सवा महीने में, ना हो पाए तो 6 महीने के अंदर करा लेना चाहिए। लेकिन आज देवकी वसुदेव विचार करते, मेरे एक नहीं दो दो बालक हैं, दोनों नंद बाबा के यहां, अब तक नामकरण हुआ ही नहीं, क्या करें? विचार किया तो आज गर्गाचार्य जी को, वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गाचार्य जी आए। गर्गा पुरोहितो राजन यदुनांश महाकपा ब्रजं जगामनंदस्त वसुदेव प्रचोदिता। आज जो ही वसुदेव जी ने बुलाया, गर्गाचार्य जी आए, प्रणाम किया और कहा महाराज आपसे मेरी एक निवेदन है, एक प्रार्थना है, कहिए क्या? बोले आप यहां से गोकुल चले जाओ, मेरे दो बालक हैं, दोनों के दोनों नंद बाबा के यहां पल रहे हैं और बालकों का समय ज्यादा हो गया है, अब तक नामकरण नहीं हुआ, एक काम करो आप जाके नंद बाबा को थोड़ा ध्यान तो दिलाओ कि बालकों का नामकरण भी तो करना चाहिए, याद तो कराओ। वाह गर्गाचार्य जी पहुंचे गोकुल में और जो ही पहुंचे गर्गाचार्य जी, महान विद्वान है गर्गाचार्य जी, आए नंद बाबा ने देखा तो नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, आइए ऋषिवर। और स्वागत करने के बाद कहा कि महाराज आप भले पधारे,
हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बोले पूछो। तो बोले आप क्या क्या करते हो? बोले हम सब कुछ करते हैं। नंद बाबा बोले सब कुछ करते तो नामकरण भी कराते हो? बोले हाँ, तो एक काम करो, मेरे घर में दो बालक है, नामकरण कर दो। घरगाचार्य जी बोले हम नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे? घरगाचार्य जी कह रहे यदो नाम महिमाचार्य सच्चा भुवि सर्वदा श्रुतम मया संस्कृते ते मन्यते देवकी श्रुतम। मैं वसुदेव का कुल पुरोहित हूं। यदि मैंने आपके बालकों का नामकरण किया तो कंस की इच्छा बलवती हो जाएगी, हो ना हो ये दोनों के दोनों बालक देवकी वसुदेव के लाल है, और मेरे कारण आपके बालकों के जीवन में संकट बढ़े ये मैं नहीं चाहता। क्यों? गर्गाचार्य जी कहते हैं आप जब भी कोई उत्सव मनाते हैं तो उत्सव मनाते हैं गोकुल में, और उसकी गूंज पहुंचती है मथुरा तक। अब नंद बाबा बोले महाराज कोई उपाय बताओ। बोले एक उपाय। बोले क्या? तुम जाओ और जाकर के चुपचाप दोनों बालकों गौशाला में ले आओ, किसी को कानो कान खबर मत करना। वहां ले आओगे तुम्हें नामकरण कर दूंगा। नंद बाबा दौड़े दौड़े गए, नंदरानी से कहा, रोहिणी मैया से कहा, गर्गाचार्य जी आए हैं, बड़े विद्वान हैं, चलो आज दोनों बालकों को लेकर के जाओ, लेकर आओ, नामकरण करा लेते। दोनों माताएं तैयार हो गईं, मार्ग में जा रही थी तो नंदरानी और रोहिणी मैया ने कहा चलो थोड़ा सा बाबा की परीक्षा भी ले लो। माताएं परीक्षा लेने बड़ी निपुण होती, बड़े बड़े बाबाओं की परीक्षा ले लेती। महाराज ने क्या की, अदला बदली कर ली, दोनों बालकों को लेकर गई गौशाला। सुंदर गाय के गोबर से लेपन किया गया, सुंदर तैयारी हुई, और उसके बाद आज नदरानी बोली मैं बड़ी हूं, मेरी गोद में जो बालक पहले इसका नामकरण होना चाहिए। गर्गाचार्य जी बोले अयम हीरो हिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्ते रामिति बलाधिक्यादि बलम विदु। गर्गाचार्य जी बोले नदरानी से, हे नदरानी, हे यशोदा, तेरी गोद में जो बालक खेल रहा है अयम भीरो हिणी पुत्र तेरा बालक नहीं है, ये तेरा लाल नहीं है, फिर किसका है महाराज? अयम ही रोहिणी पुत्र द्रोहिणी का बालक है, और इनके पास बहुत बल होगा, आगे जाकर बहुत बलवान हो जाएंगे, बहुत ताकतवर होंगे, इसलिए इनका नाम होगा बलदाऊ, इनको बलभद्र भी कहेंगे। एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए गए, इनका एक नाम होगा संकर्षण भगवान। बोलो बलदाऊ जय महाराज की जय हो, शंकरषण भगवान की जय हो। बलदाऊ का हथियार क्या है मालूम है? हल और मूछल। ये बलदाऊ का हथियार, युद्ध करते कैसे? हल से लपेटते, मूसर से बजाते, ये बलदाऊ जी का काम है। हल से पकड़ा और मूसर से बजाया और सबको निपटा दिया। महाराज इनका नामकरण हुआ। अब मैया खुश हो गई तो मैया ने कहा बाबा तो ठीक है, अब जो ही भगवान की ओर दृष्टि बढ़ी तो आज बाबा की देखते ही देखते बाबा के नेत्र बंद हो गए, मानो समाधि लग गई। विचार किया जो सारे ब्रह्मांड का नामकरण करते हैं आज उनका नामकरण मैं करूं, मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, लेकिन मैं कौन सा नाम रख दूं इनका? आए थे नामकरण करने, अपना ही नाम भूल गए बाबा, कि मेरा क्या नाम है? जब समाधि लगती है, समाधि भाषा व्यासस्य, ही भागवत क्या है, समाधि भाषा व्यासस्य, व्यास जी की समाधि लगी तो महाराज भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ प्रकट हुआ। तो बाबा की मानो समाधि लगी, दोनों माताएं विचार करती बाबा गए। एक बोली जाना तो तुम्हारी गौशाला मिली, बाहर चले जाते,
यहीं पधारना था, हाथ माथ हिला के देखा, श्वास बोले श्वास भी बंद है, गए। दोनों माताओं ने हाथ पकड़ के जोर से हिलाया तो बाबा बाहर आए, बोले महाराज हम सोच नहीं दिखे अब गए। तब बाबा ने कहा, देखा उधर और कहा, मैया ने पूछन के नाम बताओ जरा कौन सा नाम होगा। बाबा कहते हैं बहुनी संति नाम, अनेकों नाम, बहुनी संति नाम, रूपाणी चा सुतस्यते गुण कर्मान रूपाणी काम्याहम। तो मैया ने कहा हमारा हजारों नहीं एक बताओ, हम तो हजारों की बात कर रहे हैं, एक कौन सा नाम होगा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं आसन वर्ण प्रियो गणतोनो युगम तनु सुकुलो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णकांगतः। बहुत सुंदर बात है, हे नंदरानी पहले इनका शुक्ल वर्ण एक बार हो चुका है, इन भगवान पहले शुक्ल वर्ण के थे, एक बार इनका पीत वर्ण भी हो चुका है और एक बार इनका रक्त वर्ण भी हो चुका है, लेकिन इस समय इनका जो वर्ण है वो कृष्ण वर्ण है। इदानीं कृष्णकांगतः, इस समय इनका नाम। अब जब नामकरण हो गया तो मैया गई और रोहिणी मैया से कहा, मैया नंदरानी ने बोले महाराज गर्गाचार्य जी नाम तो बड़े बड़े नाम रख दिए, क्यों? क्योंकि कृष्ण बोलने में तो बड़ी दिक्कत है। कृष्णो, जब तक आपकी जीव तालु में टकराएगी नहीं शुद्ध उच्चारण नहीं होगा, कृष्णो, और सीधे बोले तो क्रश हो जाएगा, क्रश हो, बहुत से लोग क्रश ही बोलते, कृष्णो। देखो राम जी का नाम कितना सीधा, राम है, राम। और कन्हैया का कृष्ण, नाम टेढ़ा, इसकी लीला टेढ़ी और ये भी टेढ़ा, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, ये टेढ़ा है, इसकी गलियां भी टेढ़ी मेढ़ी है, ये जहां रहता है ब्रज में वहां गलियां टेढ़ी मेढ़ी, ये खुद टेढ़ा, इसकी लीला भी टेढ़ी। और मेरे प्रभु राम जी का नाम सीधा, लीला भी सीधी है। तो आज मैया ने कहा इसका नाम बड़ा अटपटा है, मुझे जोर लगाना पड़ेगा कृष्ण, इसलिए इसका नाम रखती हूँ कनुआ, इसका रखती हूँ बलुआ। मैया ने दो नाम रख दिए, एक का नाम कनुआ, दूसरे का नाम बलुआ, बलराम तो बलुआ और कन्हैया का कनुआ।